सायाहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहां पर वेल्डिंग करते वक्त एक टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने से 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सायाहपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। खाली टैंकर में वेल्डिंग की जा रही थी, उसी समय टैंकर में ब्लास्ट हुआ, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, एक की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना तिलहर क्षेत्र के भेदपुर गांव के पास की है। यहां पर एक टैंकर में वेल्डिंग करते वक्त ब्लास्ट हुआ है, जिसमें से 3 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट की चपेट में आने से 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, यहां पर उनका इलाज चल रहा है। देखें सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सायाहपुर से। यहां पर एक टैंकर में ब्लास्ट हुआ है, वेल्डिंग करते समय यह हादसा हुआ है, जिसकी चपेट में आकर 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। देखें मिशन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक खाली टैंकर में ब्लास्ट करते समय यह हादसा हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, अमित जी, किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है और ये कैसे ये घटना हुई, कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं? अमित, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लग रहा है संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। सायाहपुर में एक टैंकर में वेल्डिंग करते समय ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, यहां पर उनका इलाज चल रहा है।